आपका क्वेश्चन है, टू डिफरेंट डिस्क आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। सेकंड क्वेश्चन दिया है, ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन टू डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए डबलेट मींस डबलिंग, यानी कि क्या है आपके पास में टू डिस्क, टू डिफरेंट डिस्क। ठीक है, तो एक के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 6, सेकंड में अगेन 1 to 6। तो पहला वाला हम करते हैं, पहले वाले में, ठीक है, तो डिस्क 1 एंड डिस्क 2, ठीक है। फर्स्ट में डबलिंग आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें भी 1 आना है, इसमें भी 1 आना है, इसमें 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 and 6। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 हो गए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट क्या होगी, 6 आउटकम है, बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डिस्क के अंदर कितने होते हैं, 6, और सेकंड के अंदर कितने होते हैं, अगेन 6, तो 6 into 6 is 36। कट करेंगे 6 से तो आपका आएगा 6, तो क्या आएगा, 1/6, ठीक है। सेकंड, ऑफ गेटिंग अ सम 10 तो 10 कैसे आएगा, पहले वाले डिस्क में क्या आना चाहिए, मिनिमम 5, तो पहले वाले में 5 आया, दूसरे में भी 5 आएगा, तभी हमारा सम क्या होगा, 10, ठीक है। फर्स्ट वाले में 4 आया तो सेकंड वाले में कितना आना चाहिए, 6, और फर्स्ट वाले में 6 आया तो सेकंड वाले में कितना आना चाहिए, तो कितने हो गए, 1, 2 and 3, है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, पी सम 10 इज इक्वल टू कितने है, 3, बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, मैंने बताया 6 into 6 is 36। कट करेंगे तो हमारा आएगा 1/12, तो आपका आंसर आएगा 1/12, ठीक है।